मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का आखिरी एवं पांचवा बजट विधानसभा में पेश किया। जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में नौकरियों का पिटारा खोला। वर्ष 2022 में 30,000 को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इनमें स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग, HRTC, शहरी विकास विभाग, PWD, राजस्व विभाग, होमगार्ड, पंचायत विभाग, पुलिस आदि में भर्तियां की जाएंगी। हिमाचल में डॉक्टर, नर्स, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षकों, होमगार्ड, पंचायत सचिव, JOA, चालक, परिचालक, लाइनमैन, टीममेट, ग्राम रोजगार सहायक आदि के पदों को भरना है। हिमाचल में लंबे अरसे से होमगार्ड के पदों को नहीं भरा जा सका है। वर्ष 2022 में होमगार्ड के पदों को भी भरा जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं के 780 पद भरे जाएंगे। आशा फैसिलिटेट के 437 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 870 पदों पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 के साथ।